और हैंडल भी चल रही है, ब्रेक भी लग रही है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बालवीर ये सब कैसे? मानो उसका पता भी मैं जल्दी ही लगा लूंगा, लेकिन तुम अभी अपनी ये साइकिल की दौड़ पूरी करो, जाओ। हाँ हाँ हाँ, बाय। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार वार किया उस बुरी शक्ति ने मानव पे। आखिर क्यों कर रही है वो बुरी शक्ति मानव पे वार? क्या संदेशा देना चाहती है वो बुरी शक्ति? अब बात हद से आगे बढ़ गई है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। और इस रेस के आखिरी पड़ाव यानी कि इस ग्राउंड में एंटर करने वाले सबसे पहले रेसर का नाम है मोंटू। मोंटू आ गया, लेकिन ये मानव का है। छोड़ा लेमन जिंजर पॉप, मोंटू बॉस ऑन द टॉप, छोड़ा लेमन जिंजर पॉप। और अब लगता है कि मोंटू अकेला ही है जो इस रेस में है, बाकी सब रेसर हार मान चुके हैं और अब मोंटू शायद ये रेस बड़ी आसानी से जीत जाएगा। ये साइकिल ठीक से क्यों नहीं चल रही है? मैंने बालवीर को बोला कि जादू तो नहीं किया ना? अरे साइकिल को क्या हो गया? मैं अपनी जादू ही छड़ी निकाल दो। नहीं नहीं, पहले चेक कर लेता हूँ। अरे यार, ये मोंटू बॉस ने साइकिल क्यों रोक दी? एक काम ढंग से नहीं होता है। ओह नो, साइकिल की चेन उतर गई है। अभी वॉन से ठीक करता हूँ। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे बैठे, सब मेरे वॉन देख लेंगे। मुझे ऐसे ही ठीक करना होगा। Come on, Montu, hurry up, जल्दी, जल्दी। अभी अभी हमें खबर आई है कि मानव भी इस ग्राउंड के बाहर पहुंच चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मानव के आगे दीवार खड़ी की थी, उसे कैसे पार किया उसने? मोंटू और मानव दोनों में से साइकिलिंग चैंपियनशिप का कौन चैंपियन बनता है? Come on, जल्दी जल्दी हरी अप। तो मेरे पास आता ही जा रहे, सब लोग देख रहे, वरना मैं जादुई छड़ी निकल कर इसे वापस हवा में लटका देता, तो साइकिल मुझे जोर से चला नहीं पड़ेगी। आज ये साइकिल रेस में तुझे जीतने नहीं दूंगा मोंटू। दोनों रेसर्स के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। मानव मोंटू से ज्यादा पीछे नहीं है। क्या मोंटू मानव को हरा देगा
या फिर मानव मोंटू को पीछे छोड़कर ये साइकिल रेस जीत लेगा, कोई नहीं कह सकता। मगर सबकी नजर इस वक्त मोंटू और मानव पर ही है। मोंटू, मम, यू कैन डू इट। खत्म हो चुका है और जैसे जैसे दोनों रेसर फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है। और अब ये साइकिल रेस हर पल रोमांचक होती जा रही है। कभी मानव आगे बढ़ता है और मोंटू जोर लगा के फिर से उसके आगे बढ़ जाता है। मानव डगली। मानव, तुमने करके दिखाया, तू ये रेस जीत गया। हाँ मैं, रेस जीत गया और तू साइकिल जीत गया। माँ, वो बुरी शक्ति बार बार बच्चों पे वार कर रही है और हम जान नहीं पा रहे कि वो कौन है। वो जो भी हो, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बच्चों को और हानि ना पहुंचाए। वो कौन है हमें जल्द से जल्द जानना होगा। एक अनजान दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो सामने से नहीं बल्कि पीठ पे वार करता है। और बालपरी, कोई तो उपाय होगा ना इस बुरी शक्ति को जानने का। हाँ, उपाय है और जल्द ही हमें वो उपाय मिल जाएगा। आप सब चिंता ना कीजिए क्योंकि अब चिंता का समय है उस बुरी शक्ति का। बुरी शक्ति, तुम जो भी हो, जहां भी हो, एक बात ध्यान से सुन लो, समझ लो, हम सब परियों के होते हुए और बालवीर के होते हुए
तुम पृथ्वी लोक के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, समय रहते तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत ही जल्द हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे। और इस बार समर फेयर साइकिलिंग रेस के विनर है मानव डगली। तो प्लीज मानव, आप स्टेज पे आइए और प्राइज में मिली हुई कप और साइकिल लीजिए। मैं जज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि मानव को साइकिल की चाबी दे। वेल डन मानव, ये रही आपकी साइकिल की चाबी। ये कप तो मेरा है, लेकिन ये साइकिल इसमें मैंने पार्ट इसलिए लिया था ताकि मैं अपनी बहन मेहर को ये साइकिल गिफ्ट कर सकूं। तो क्या मैं अपनी बहन मेहर को स्टेज पे बुला सकता हूँ? जरूर। मेहर, आप स्टेज पे आइए। परी गई है रोककर ये लाख लगाने की प्रक्रिया, ऐसा क्या अचानक काम आ गया? और लगेगी कितनी देर और? हे बाकी ये लाख लगाने की प्रक्रिया, अरे डूबा डूबा, अरे कहाँ है डूबा डूबा? घूम रहे हो तुम लोग क्यों मेरे पीछे? पूछने के लिए ये कि करना पड़ेगा कितना इंतजार परियों का हमें? 100 वर्ष। 100 वर्ष? हाँ, हमें बैठना पड़ेगा यही पे 100 वर्ष। हाँ। अरे कर रहा था मजाक पे, अगर होता पता मुझे तो क्यों घूमता होता इधर उधर। दरअसल है भेजा संदेशा धरती से, थी भेजी बाल परी को नटखट परी ने अति शीघ्र चेतावनी तरंगे, है इसलिए गई बाल परी पृथ्वी लोक पे, कहकर है कि लौटूंगी थोड़ी देर में। कितनी देर में? सुना भयंकर परी, बाल परी ने द्वार पर लाख लगाने की प्रक्रिया रोक दी। मुझे मेरी किस्मत के सितारे चमकते नजर आ रहे हैं। मेरा दिल कहता है बहुत जल्द मैं इस कैद खाने से आजाद हो जाऊं। ऐसे सपने मत देखो जिनका पूरा होना असंभव है बवंडर परी। अगर दीवार पर लाख ना भी लगी तो क्या हुआ? यहाँ की मजबूत दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना असंभव है। असंभव? बवंडर परी के लिए कुछ भी असंभव। अब आजादी की सुबह मुझसे बहुत दूर है। यस! मस्त गेम है यार ये sababia.com। वेकेशन ये गेम खेलते खेलते कब गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। काश मुझे जादुई छड़ी चलाने का मौका मिलता, मानो को मैं ये रेस जीतने ही नहीं देता। ए, मैं रेस हार गया और तुम दोनों गेम खेल रहे हो, मैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, मैं फर्क नहीं पड़ता। बस 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 बस, ये suburbia.com गेम ही इतने इंटरेस्टिंग है,
कि आपको भी खेलने का मन कर जाएगा। क्या बात कर रहे, इसमें इतना क्या खास है? बस इस बोर्ड गेम में सबबिया नाम की एक सिटी है, इसमें सब टीवी के बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स है। इसमें सब प्लेयर्स को सबबिया सिटी का मेयर बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पार करने होंगे। जो जीत जाएगा वो सबबिया सिटी का मेयर बनेगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ना? इतना इंटरेस्टिंग, चलो खेलते हैं। बस चुप, यहाँ मैं रेस हार गया हूँ और तुम गेम खेल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें? फर्क पड़ता है बॉस, जब आपकी इतनी इंसल्ट होती है थोड़ी इंसल्ट हमारे भी होती है। हाँ बॉस, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब बच्चे हमें कहते हैं मोंटू का, मोंटू हाथी का मालिक। मेरा मतलब है बॉस, उनके दोस्त जा रहे हैं, वो देखो मोंटू बेवकूफ के साथ ही जा रहे। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बॉस, सच। क्या? कड़वा सच बॉस। मतलब ये लोग क्या क्या नहीं कहते आपको, हाथी, मोटा, गेंडा, स्टूपिड, बेवकूफ। बस, और तुम ये सब सुन के लेते हो? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हा? अच्छा लगता है कि हमें कोई आपको ऐसा बोलता है बॉस? नहीं लगता है बॉस, बिल्कुल नहीं लगता है, पर क्या करे बॉस, सुनना पड़ता है। अब एक काम करो बॉस, अब अपनी जादुई छड़ी से उस साइकिल और एक कप फिर से ले आओ। हाँ, और साथ में पिज्जा, बर्गर और मिल्क शेक भी मंगवा लेना। हाँ, मैं सब वो यहाँ मंगाता हूँ, उसके पीछे बालवीर भी आ जाएगा। अरे तो आने दो ना बालवीर को बॉस, थोड़ा पिज्जा बर्गर वो भी खा लेगा, यहाँ कौन सी कमी है। अरे बेवकूफ, बालवीर आएगा ना तो पिज्जा नहीं हमें खा जाएगा। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाले और उसके सारे अंडे एक साथ ले ले। बालवीर को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास जादुई छड़ी है, इसलिए मैं मानव महर को बड़ी चालाकी से परेशान करूंगा, समझे बॉस? लेकिन एक बात है, जादू हो या ना हो आपके पास, लेकिन आपके किस्मत में मानव महर के हाथों से हमेशा हार ही लिखी है। ए पागल, क्या बोल रहा है तू? इस बार हार हाथों से नहीं पैरों से हुई है, क्योंकि साइकिल तो पैर से चलाते है ना। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? ठीक है, रोहित केवल का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत चप्पड़ चप्पड़ करते हो ना, अब तुम्हारे मुंह जिंदगी भर ऐसे ही बंद रहेंगे। और रही बात मानव महर की, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.